वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। इसको लेकर छोटे बड़े उद्योगों और आम लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता है और बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि अर्थव्यवस्था को लेकर आगे क्या नया रोडमैप वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट में पेश करती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वित्त मंत्रालय के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर KV सुब्रमण्यम। NDTV में आपका स्वागत है। IMF का जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें आपने इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को अपवर्डली रिवाइज किया, 6.3% से 6.7%। इस अपवर्ड रिविजन का आधार क्या है? यदि आप देखें हिमांशु, तो पिछले 2 साल में जो हमारी GDP की, हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर आई है वो 7% से ज़्यादा आई है। पिछले साल 7.2% था और इस साल अनुमान लगाया जा रहा है जो NSSO की जो डेटा आई है उसमें कि 7.3% रहेगा। और यदि ध्यान दें तो जब महामारी का समय था, महामारी के समय में भी हमने तब बताया था कि 7% का जो विकास दर है वो भारत जरूर दर्ज करेगा, तो वैसा ही हुआ है। और चूंकि पिछले 2 सालों में जो IMF का जो आंकलन था वो 7% से कम था और जो एक्चुअल विकास दर है वो काफी उससे ज्यादा बढ़कर आया, तो इसीलिए IMF ने आंकड़ों को देखकर अपना जो है अपवर्ड रिविजन किया है। जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमंग द मेजर इकोनॉमीज। अंतरिम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री 1 फरवरी को, इस ग्रोथ मोमेंटम को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ ले जाने के लिए या इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री को क्या प्रस्ताव रखना चाहिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अंतरिम बजट से? देखिए, ये तो पहली बात ये हम ध्यान में रखें कि ये जो बजट है ये वोट ऑन अकाउंट है, यानी कि जब तक नई सरकार आए और उसके बाद जो बजट है उसको प्रस्तुत करे तब तक के लिए जो खर्च के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए अप्रूवल है पार्लियामेंट से। तो इसमें सिर्फ 2-3 महीने की ही जो खर्च है उसका एक प्रस्ताव रहेगा। तो मेरे अनुसार जो अच्छा काम जो अभी तक हुआ है जो सरकार ने किया है उसी को दोहराएंगे इस बजट में, और शायद एकाध दो और कदम हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 में जो वोट ऑन अकाउंट था और तब मैं सरकार में था और मुझे ध्यान है कि PM किसान का जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली उस तब पेश किया गया था, लॉन्च किया गया था। उसके अलावा जो इनकम टैक्स रेट हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट हैं, उसमें थोड़ी कमी की गई थी। ये दो मेन प्रस्ताव थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस बजट में भी कुछ जो हमारी जो रूरल एरियाज हैं, किसान हैं, उनके लिए कुछ प्रस्तावें होंगी और शायद हो सकता है मिडिल क्लास के लिए कुछ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा जो बदलाव है वो नहीं होगा क्योंकि एक वोट ऑन अकाउंट है। इस साल नई सरकार के गठन के बाद जून में इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, इस बार पेश नहीं किया गया है पर एक दस्तावेज वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, की हाईलाइट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। इसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 साल से लगातार 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट भारत की रही है। 2020 में कोरोना संकट के दौरान आप पहले अर्थशास्त्री थे जिसमें आपने ये प्रोजेक्ट किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो 7% से ज्यादा रहेगी। आज वो बात सही साबित हुई है, तो आपके उस संकट के दौर में एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोजेक्शन का आधार क्या था? मतलब आपने क्या रीड किया था, क्या आंकड़े आपने देखे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के जरिए जिससे आपको लगा कि भारत सस्टेन तरीके से 7% से रफ्तार से आगे बढ़ेगा? मुझे ध्यान है करीब मार्च अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, चूंकि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा तो इसीलिए हमने हमारे टीम को कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो कि हर हफ्ते आप ट्रैक कर पाए, तो उसका हमने करीब करीब 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ट्रैक करने शुरू किए। और इस दृष्टिकोण से कि हम सोमवार को सुबह
वित्त मंत्री साहिबा, प्रधानमंत्री जी और जो कॉमर्स मिनिस्टर्स होम, उनको जो बदलाव हुआ पिछले हफ्ते जो सोमवार के दिन उसके मुकाबले इस हफ्ते क्या बदलाव हुआ, ये भेजने के लिए हम करीब 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को हमने ट्रैक करना शुरू किया। तो वो जो 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उसको चूंकि हम हर वैसे तो हर हफ्ते भेजते थे लेकिन मैं उनको हर रोज ट्रैक करता था कि किस तरह वो चल रहे हैं। तो वो आंकड़े एक्चुअली साफ बता रहे थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सिर्फ लॉकडाउन के कारण जो असर, जो लॉकडाउन के कारण क्या होता है आपकी इकोनॉमिक जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसीलिए जीडीपी पर असर पड़ा था। तो और मेरा ये पूर्ण विश्वास था उस समय, मैंने कोरोना के पहले भी कहा था कि हमारे अर्थव्यवस्था में कोई उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आंकड़ों में साफ दिख रहे थे, जैसे आप ईवे बिल्स हैं, आपके जो पावर कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब में मैं देख रहा था कि एक्चुअली रिकवरी हो रही है। और चूंकि मेरा ये विश्वास था, मैंने विश्लेषण भी किया था कि हमारे इकोनॉमी में कोई उसमें मतलब कोई आपदा की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कोरोना से पहले, महामारी के पहले कई ऐसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि अब 5% की ही वृद्धि दर होगी हमारी अर्थव्यवस्था में, मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो, तो उनके उनके विपरीत मेरा ये विश्वास था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ है। तो वही आंकड़ों में मैं देख रहा था, उसी को लेकर मेरा जो विश्लेषण था और आंकड़ों को उनको दोनों को मिश्रित कर मैंने एक्चुअली ये मेरा एक विश्वासपूर्ण अनुमान था कि हमारी इकोनॉमी में वी-शेप रिकवरी होगी और 7% का विकास दर आएगा। और ये आप ध्यान रखें एक और कि भारत की जो नीति थी कोरोना के समय, हमने हमारे देश के लिए जो सही है वो गहरी सोच के आधार पर हमने नीतियां बनाई। और जैसे बाकी देश जो हैं सिर्फ डिमांड पे काम कर रहे थे, सिर्फ पैसे दे रहे थे, हमने लेकिन सप्लाई साइड भी उस पर भी काम किया। तो और काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए गए, जैसे लेबर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे जो ध्यान, ये सब। तो इन सब के चलते विश्वास था कि यदि रिफॉर्म्स होंगी और जो जो महामारी का जो क्राइसिस था उसको यदि सही तरीके से समझकर नीतियां हमने इम्प्लीमेंट की थी तो उससे विकास दर तो अच्छा आना ही चाहिए। वो विश्वास सही हुआ, एक्चुअली ये संतुष्टि की बात है जी। बजट 2023 में वित्त मंत्री ने अपनी 7 प्राथमिकताएं रखी थी, उन्होंने कहा था सप्तर्षीज ऑफ माय बजट, उसमें उन्होंने रीचिंग द लास्ट माइल को एक प्राथमिकता बताया था। मैंने एक ग्राउंड रिपोर्ट शूट किया मोदीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदीनगर इलाके में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके जरिए रीचिंग द लास्ट माइल ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद मिली है। और इसमें मैंने पीएम किसान योजना कैसे कार्यान्वित हो रहा है डीबीटी के माध्यम से, जिसमें एक साथ 8 करोड़ 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसे पहुंच जाता है एक साथ, तो इसको मैं समझना चाहता था जमीन पर। वहां पर कुछ किसान थे जो कह रहे थे कि कुछ साल हो गए हैं, अभी हमको 6,000 रुपए मिलते हैं, महंगाई बढ़ गई है, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया पिछले कुछ साल में, तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट हम महसूस करते थे 3-4 साल पहले वो अब हमें लगता है कि जो हमें जो राहत मिलती थी अब उतनी राहत 6,000 रुपए में नहीं मिल पा रही। आपको लगता है कि समय आ गया है कि इसको रिवाइज करना चाहिए कि जो वित्तीय सहायता मिलती है पीएम किसान योजना के? हाँ, मेरे अनुसार, क्योंकि आप ये आप सही कह रहे हैं कि यदि आप इन्फ्लेशन लें, जो इन्फ्लेशन रेट करीब 5-6% का रहा है औसत आना पिछले 5 वर्षों में, तो यदि 5-6% का इन्फ्लेशन रहा है तो 5 सालों में आप देखें तो करीब करीब 30-35% की जो सारे जो फर्टिलाइजर हैं, बाकी जो भी इनपुट्स हैं उसमें उनका दाम बढ़ा होगा। तो 6,000 जो खरीद सकता था 2019 में, वो आज की तारीख में उसको खरीदने के लिए करीब 8,500-9,000 का एक लागत चाहिए होती है। तो जो हम जैसे हम अर्थशास्त्री रियल टर्म्स में बोलते हैं कि मतलब आप उस पैसे से कितना खरीद सकते हैं, तो यदि उसको यदि हमने उस उतना वही रखना है, समानांतर रखना है, तो आज की तारीख में वो यदि 8,500-9,000 हो, तो 6,000 से जो आप जो 2019 में खरीद सकते थे वही आज भी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मेरा ये मानना है कि इसको बढ़ाना जो है वाजिब होगा। ये और एक और आप यदि आप ध्यान दें, जब पीएम किसान जब लागू किया गया था तब मैंने काफी सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया था, मैंने ये कहा था कि इसका जो है लाभ ये होगा कि यदि आप
एक छोटे किसान को लें जिसकी मासिक आमदनी मान लीजिए करीब 30,000 रुपए है, तो उसके लिए 6,000 और 3 महीने में 6,000 जो है वो करीब करीब एक 10% वृद्धि है। और ये जो है क्योंकि 2000 महीने में 2000, 3 महीने में एक बार 6,000 उसको जरूर आएगा, तो जो अनिश्चितता है उसकी, जो मतलब लेफ्ट टेल बोलते हैं हम, जो डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थशास्त्री बोलते हैं कि वो अनिश्चितता कम कम होने के कारण उससे निवेश जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के निवेश बढ़ेगी। और ये अभी एक बहुत अच्छा एक रिसर्च स्टडी है IIM बैंगलोर में, पुलक घोष जो है प्रोफेसर, उन्होंने एक्चुअली ये शोध करके बतलाया है कि जो मेरा उस समय का अनुमान था कि निवेश बढ़ेगा क्योंकि अनिश्चितता कम होगी, वैसा ही हुआ है। उन्होंने एक्चुअली एक अपने एक PhD स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उनके साथ में ये विश्लेषण करके लिखा है कि PM किसान के कारण निवेश जो है इसमें बढ़ा है। तो ये भी तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसको एक्चुअली जरूरी है कि 6,000 से हम इसको 8,500 या 9,000 करें। तो मैंने एक किसान से पूछा था कि आप चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाना चाहिए। तो ओमपाल सिंह उनका नाम था, मुझे याद है, गदाना गांव में रहते हैं मोदीनगर में। उन्होंने कहा कि देखो कम से कम 1,000 रुपए तो बढ़ाना ही चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं वो इन्फ्लेशन से उनका जो कॉमन सेंस है वो प्रोजेक्शन, आपको लगता है कि 1,000 रुपए 2,000 की जगह अगर 3,000 किया जाए तो अच्छा होगा? जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली यदि आपको उस जो खरीदने की क्षमता है, जो जिसको परचेसिंग पावर, जिसको हम रियल इनकम कहते हैं, यदि उसको यदि उतना ही रखना है जो 6,000 खरीद सकता था 2019 में, तो 8.5 या 9 तक ठीक रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं एक्चुअली प्रिसाइस यदि आप आंकड़े लें तो शायद हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, मतलब 8,500-8,500, मैं अनुमान मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि 5-6% का इन्फ्लेशन लेकर, तो 8 से 8.5 या 9 तक भी ठीक रहेगा उसमें, मतलब रियल टर्म्स में उसके जो खरीदने की क्षमता है वो सही रहेगी, वो सही रहेगी। एक सवाल था प्रधानमंत्री आवास योजना। अब पिछले बजट में, बजट 2023 में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवंटन था वो 66% बढ़ा के 79,000 करोड़ किया। अब मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गांव में गया था ग्राउंड रिपोर्ट करने कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन कैसा चल रहा है। उस गांव में बहुत सारे घरों का निर्माण वहां पर चल रहा था और साथ ही मजदूर भी मिले जो बहुत खुश थे कि उन्हें काम भी मिल रहा है। ट्रैक्टर्स जो थे लोगों ने हायर पे दिए हुए थे क्योंकि सीमेंट की सप्लाई करनी है, ईटा ले जाना है, तो ऐसा लगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वो एक तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट था। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जो बता रहे हैं यही चीज हम, आप तो ग्राउंड लेवल से बता रहे हैं और हमने जो इन सब में विश्लेषण अनुमान लगाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक तरीके से और दृष्टिकोण से ये जो फायदे हैं ये आएंगे, तो अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच। या सो इस संदर्भ में मैं जब देखा कि CII ने जो अपने प्री बजट मेमोरेंडम दिया है वित्त मंत्री को, उसमें ये कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात की है कि उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है उसका भी दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। ये कितना महत्वपूर्ण होगा आपको लगता है? क्योंकि इसमें एक तथ्य आपके सामने रखता हूं कि 31 मार्च 2024 तक 2,95,00,000 घर बनाने का टारगेट था, इसको पूरा किया जाए इसके लिए वित्त मंत्री ने एक साल पहले आवंटन बढ़ाया। अभी 2.5 करोड़ घर बन चुके हैं, 2,94,00,000 के आसपास सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनका एलोकेशन पैसे का हुआ है, पर घर जमीन पर बना नहीं है, वो आवंटन हुआ है। तो अब CII की तरफ से ये सुझाव है कि इसका बढ़ाना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री के? मेरे अनुसार एक्चुअली ये एक अच्छा कदम था और इसको इस पे जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि देखिए एक मूल तथ्य जो मैं हमारे दर्शकों को ये बताऊं कि जब सरकार निवेश करती है जिससे कि पूंजी बने, एसेट्स बने, जो एसेट्स इकोनॉमी में, तो उससे जो है इकोनॉमी को काफ़ी लाभ होता है। तो जैसे मैं इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में हमने लिखा भी था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसमें फ़र्क क्या होता है कि आप यदि सरकार 100 रुपये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्ची करती है, मतलब कि मान लीजिए रेवड़ी बांट दिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडीज दे दिए तो 100 रुपया जब सरकार खर्चा करती है तो उससे जो इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी होती है वो 100 रुपये से कम करीब
94 या 95 रुपए ही बढ़ोतरी होती है, यानी कि 5-6 रुपया उस जो है मतलब वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसके विपरीत यदि सरकार वही 100 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश जो पूंजी बनाए इकोनॉमी में उसमें करे, तो 4-5 साल की अवधि में ये शोध बताती है कि वो 100 रुपया जो है 400-500 रुपया तक का एक्चुअली उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अब आप सोचिए एक्चुअली कि आप निजी तरीके से या फिर दर्शक यदि देख रहे हैं कि यदि कोई वो ऐसा एक निवेश करें जिसमें कि 100 रुपया लगाएं और 95 रुपया आए, और दूसरा एक निवेश जिसमें कि 100 रुपया लगाएं और 3-4 साल बाद 400-500 रुपया आए, तो साफ है कि जो कोई व्यक्ति है वो किस तरह के निवेश करना चाहेगा। तो वही चीज यदि आप देखें तो पीएम आवास योजना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो रोड्स में, आपके रेलवेज में, पावर में, सब में जो पूंजी बनती है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो उसका जो असर है वो एक इस तरह की निवेश के होती है जो 100 रुपया आपने डाला लेकिन अर्थव्यवस्था में 400-500 रुपया 3-4 साल में। तो इसीलिए मैं हमेशा ये जोर देता हूं कि सरकार की जो खर्च है वो निवेश बनाने में, निवेश कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उसी आधार पे इसलिए मुझे लगता है कि पीएम आवास योजना में, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं घरों में जो मतलब जो हमारे जो गरीब परिवार हैं उनमें एसेट्स बनते हैं, तो और भी इसका लाभ है जो इनइक्वालिटी कम करने में और जो उनको उनको पॉवर्टी कम करने में इसमें एक्चुअली काफी लाभ होता है। और जैसे आपने बताया कि इसकी जो स्पिल ओवर इफेक्ट जो कहते हैं कि जब घर बनते हैं तो क्या उसके लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, स्टील की जरूरत पड़ती है, जो मजदूर हैं जो मेसन हैं वो काम करने आते हैं, कारपेंटर, तो इससे जो है काफी और भी इकोसिस्टम में बेनिफिट्स आती हैं जो आपने अपनी फील्ड रिपोर्टिंग में देखा है। ये हम अर्थशास्त्री के रूप में एक्चुअली ये मैं साफ साफ बता सकता हूं कि ऐसे बेनिफिट्स हमने इसका आंकलन भी किया हुआ था, इससे बेनिफिट्स आएंगे जो कि अच्छा, तो इसलिए इसका आंकलन बढ़ाना एक्चुअली अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से सही रहेगा। सही, टारगेट भी रिवाइज करना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना पक्का घर चाहिए। जी जी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया में, आप IMF में बहुत लंबे समय से हैं, IMF की लंबे समय एक साल से ज्यादा है। हाँ, मतलब एक साल से आप वहां पर हो। IMF की क्या प्रोजेक्शंस हैं भारत की अर्थव्यवस्था की के विस्तार को लेके, और ये भी कहा गया वित्त मंत्रालय की तरफ से कि अगले कुछ साल में $5 trillion की अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, IMF कैसे देखता है इस तरह के प्रोजेक्शंस को? ये इसमें तो कोई दोहराय नहीं है, वो IMF हो या फिर बाकी कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो सब साफ देख रहा हूँ। मैं IMF की बोर्ड में मैं हर रोज, मैं जब प्रेजेंटेशन होती है, जैसे नवंबर में IMF भारत की आर्टिकल फोर यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आंकलन जो बोर्ड को प्रेजेंट होता है उसमें एक्चुअली, तो उसमें मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि सब बाकी सब देश के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कॉलीग्स हैं वो सब देखते हैं कि उसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि भारत जो है अभी भारत का विकास दर बड़े देशों में सबसे ज्यादा है और इसको कोई डाउट करता नहीं है। और ये भी सब मानते हैं कि जब हम विश्व के जब जीडीपी में जो उसके उसमें जो बढ़ोतरी है उसमें जो योगदान है भारत का काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं देखता हूँ काफी लोग इसके जिसकी प्रशंसा करते हैं, जो हमारी जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत सारे लोग एक आश्चर्यपूर्वक देखते हैं कि अरे इतना अच्छा काम किया है भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इससे भी भारत को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि जैसे पहले आप बता रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है हम वो जैम की जो तिकड़ी है, जनधन आधार मोबाइल की तिकड़ी, उससे जो लाभार्थी है उसके सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, और इधर उधर उसके वो जो है मतलब पिल्फरेज नहीं है, मतलब उसका चोरी वगैरह नहीं होता है। तो ऐसी जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाई उससे जो हमारी विकास है वो एक सामूहिक तरीके से हो सकती है। इसीलिए जो हमारी जो $5 trillion इकोनॉमी जो बनेगी और भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी वो बनेगी, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही अमीर हो रहे हैं, सब तरफ से जो प्रोग्रेस है, ट्रिकल डाउन ही नहीं, ट्रिकल डाउन तो
वो मतलब एक उतना अच्छा नहीं हुआ कि, लेकिन इट साफ डायरेक्टेड है क्योंकि जो टारगेटेड है, तो इसीलिए जो बढ़ोतरी होगी वो सब सेक्शंस में होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2030 तक भारत $7 trillion की अर्थव्यवस्था बन सकता है? हाँ, 2030 तक एक्चुअली यदि आप देखें, यदि 7% का विकास दर यदि लगाएं डॉलर टर्म्स में, तो 2026-27 तक $5 trillion हमारा बनना चाहिए, और उसके बाद यदि थोड़ा 7 से ऊपर का विकास दर यदि आए तो फिर 2030 तक $7 trillion की इकोनॉमी बन सकती है, बन सकती है। और एक जो और पॉजिटिव बदलाव दिखा है वो जीएसटी कलेक्शंस में, पिछले कुछ महीनों के जो जीएसटी कलेक्शंस हैं, मुझे याद है कोरोना संकट के दौरान 28,000 करोड़ हमें जून जुलाई 2020 में बताया गया था कि अप्रैल में वो घट के आ गया था। वी आर बैक ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और ये जो रिबाउंड हुआ है उसमें आगे के लिए क्या प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं? जीएसटी कलेक्शंस जो हैं आगे क्या लगता है आपको, राजस्व का कलेक्शन जो है उसकी दिशा और दशा क्या रह सकती है अगर अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से आगे बढ़े? तो आपने तो जो प्रश्न पूछा है वो जीएसटी के बारे में, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं आपको जो मैं रिस्पॉन्स दूंगा वो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के, ये सही है कि इनडायरेक्ट टैक्स में काफी अच्छी वृद्धि हो रही है, जिसमें दो मूल कारण है। एक तो अर्थव्यवस्था काफी अच्छी कर रही है, अर्थव्यवस्था जब का विकास दर अच्छा रहता है तो कंजम्पशन जब बढ़ता है तो उससे जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी बढ़ता है। और मेरा अनुमान है कि आगे चलकर कंजम्पशन और तेजी से बढ़ेगा। अभी यदि आप इस साल देखें तो करीब 4.5% का कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन चूंकि जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ रही है, वर्चुअस साइकिल जो है और तेजी से चलेगा, वर्चुअस साइकिल से कंजम्पशन भी आगे चल के बढ़ेगा, तो उससे जो जीएसटी है उसमें विकास अच्छा आएगा। दूसरी बात यह कि जीएसटी में काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके, जब ये पिछले कुछ सालों में 3-4 साल में इसमें काम हुआ है, जिससे कि जो इनवॉइस थे, गलत इनवॉइस वगैरह, उस पर काफी अच्छा काम हुआ है, जिससे कि अब व्यापारियों को पता है कि यदि वो एक्चुअली इस तरह की गलत इनवॉइस वगैरह बनाएंगे तो कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से वो पकड़ा जाएगा वो, तो इसलिए उससे भी एक्चुअली जो कंप्लायंस है वो बढ़ा है। इसके अलावा तो ये जीएसटी पे हुआ है। यदि आप डायरेक्ट टैक्स पे देखें तो हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो कम किया गया था अगस्त सितंबर 2019 में, इसके बावजूद अभी जो है डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली काफी अच्छा, और ये यदि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो अर्थशास्त्री लैफर करके एक लैफर कर्व होती है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि आपका टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो आपका टैक्स जो कलेक्शन है उतना नहीं होता है। और ये इसमें तब जब हमने किया था उसका आधार ये भी था कि हमारे जो नेबर्स हैं थाईलैंड, वियतनाम वगैरह में, उनमें जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो काफी कम है, तो यदि कोई निवेशक है वो यदि भारत आना चाहे वो देखेगा कि अरे वियतनाम में, थाईलैंड में एक्चुअली टैक्स रेट कम है, तो वहीं जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसमें, और चूंकि महामारी आई तो उससे एक्चुअली जो पूरा असर अभी नहीं आया है लेकिन उसका आएगा आगे चलकर, तो इससे जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी आगे चल के काफी अच्छा होगा। ये जो टैक्स बोयंसी कहते हैं हम, एक्चुअली टैक्स बोयंसी जो यानी कि जीडीपी ग्रोथ, मान लीजिए आपका 1% से बढ़ता है तो आपका टैक्स कलेक्शन कितने का विकास दर से बढ़ता है वो टैक्स बोयंसी कहते हैं। तो यदि टैक्स बोयंसी यदि 1.2 है तो विकास दर, जीडीपी विकास दर 1% से बढ़ा तो आपका टैक्स जो है 1.2% से, मतलब 1.2% से बढ़ेगा। तो ये जो टैक्स बोयंसी है, मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले 10 साल में टैक्स बोयंसी करीब 1.5 to 1.6 रहा है, मतलब 1.5-1.6, यानी कि 1% विकास दर यदि बढ़ेगा, जीडीपी विकास दर, टैक्स रेवेन्यू करीब 1.5% बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो आगे चल के भी चूंकि काफी इस पे पॉलिसी पे काम किया गया है तो मेरे अनुसार डायरेक्ट टैक्स भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कुछ चिंता करने की जरूरत है आगे जो टैक्स रेट है उसके, टैक्स कलेक्शन के बारे में। जीएसटी कलेक्शन आपको लगता है कि 2 लाख करोड़ तक भी अगले 1-2 साल में पहुंच सकता है अगर ये रफ्तार रही तो? ये रफ्तार रही तो एक्चुअली 2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से हर महीना 1.5 लाख करोड़ से ऊपर, और वो तो कुछ सालों में, कुछ 1-8 साल में हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, और शायद 2-3 साल में 2 लाख करोड़ होने की संभावना भी है।
एक आखिरी सवाल, कल मैं एक छोटे उद्योगपति से मिल रहा था, उनके एक फैक्ट्री है, ऑटोमेशन फैक्ट्री बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है जी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए टैक्स जो है हम जिस तरह से टैक्स देते हैं उस प्रक्रिया को सरल बनाना है, जीएसटी का जिक्र कर रहे थे, जीएसटी का जिक्र और कह रहे थे कि जो फर्जी कंपनियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, अगर उनके साथ हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो बहुत लंबे समय तक टैक्स का मसला फंसा रहता है, और तो एक तो सरल हो प्रक्रिया और टैक्स में भी अगर थोड़ी राहत मिल जाए तो हर बजट से पहले ये उम्मीद रहती है कि अगले एक साल में थोड़ा कम टैक्स देना हो। एक अर्थशास्त्री के तौर पर यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आम लोग जो हमसे बात करते हैं वो पूछते हैं क्या कुछ राहत का चांस है, चुनाव भी होने वाले हैं, एक फील गुड बजट क्या हम एक्सपेक्ट करें इंडस्ट्री की तरफ से, हालांकि ऑफिशियली तो उन्होंने नहीं कहा है, पर छोटे जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं। कल प्रवीण खंडेलवाल जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स के लिए एक अलग टैक्स स्लैब होना चाहिए जैसे कंपनीज के लिए होता है, तो फिर से वो उत्साह और वो उत्सुकता बढ़ रही है। आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में ये तो वोट ऑन अकाउंट है, क्या इस तरह के बदलाव जरूरी हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए ये एक हमें ध्यान में रखना है कि जीएसटी जो है बजट में नहीं आता, क्योंकि जीएसटी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। वो जीएसटी जब नहीं था तब इनडायरेक्ट टैक्स बजट में आती थी, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं आता है, तो ये साफ है कि बजट में जीएसटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बजट में वो प्रावधान ही नहीं है जीएसटी। मैं हर बार सरप्राइज भी रहता हूँ कि सीआईआई फिक्की के प्री बजट मेमोरेंडम में जीएसटी को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, पर हमें वो लगता है कि शायद वो शायद एक्चुअली नहीं वो समझते हैं। मेरे अनुसार ये है कि चूंकि एक उनको एक अवसर मिलता है टैक्स के बारे में बताने के लिए, तो ये वो वित्त मंत्री साहिबा और बाकी लोग उसको जीएसटी काउंसिल में ले जाएंगे। एक्चुअली ये सोच शायद मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैंने मैंने बातचीत बहुत लंबा चौड़ा हाँ, लेकिन उनको तो जरूर पता है कि जीएसटी जो है बजट में काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में ही होती है। जहां तक आपने जो बाकी डायरेक्ट टैक्स की जो बात की, इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स रेट की, ये जैसे मैं पहले भी बता रहा 2019 में इसमें कमी की गई थी, तो शायद हो सकता है कि पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले, ये हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं तो बजट बनाने में नहीं हूं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा और नहीं कह सकता, लेकिन सरलता जो है उसमें काम करना बहुत जरूरी है। यदि जीएसटी में हो या फिर जो इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स उसमें सरलता काफ़ी आई है। ये मैंने एक दो साल पहले मैंने ट्वीट किया था, हमारी हमारी श्रीमती जी जब वाइफ, उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किया और टैक्स रिटर्न फाइल किया, आज शाम को शायद 7 बजे 8 बजे टैक्स रिटर्न फाइल किया और कल अगले दिन सुबह 10 बजे उनको रिफंड मिल गया था, तो मैंने ट्वीट भी किया था कि एक्चुअली तो ये तो काफ़ी, और वो काफ़ी सरप्राइज थे, प्लेजेंटली सरप्राइज जैसे। तो पर्सनल टैक्स में तो काफ़ी उसमें सरलता आई है, जीएसटी में और जीएसटी फॉर्म्स और वो सब में एक्चुअली जहाँ तक मेरा अभी इसमें बदला है तो मैंने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन कंपनीज को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में भी फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। यदि कोई ऐसी कंपनी है 3-4 स्टेट्स में काम करती है तो हर जगह फाइल करना पड़ता है, जो कि एक ही जगह फाइल हो तो उससे सरलता जो है बढ़ेगी। ये तो मैं उसमें तो मैं जरूर जोर दूंगा कि सरलता पे और काम किया जाए। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है। आपको लगता है कि अब मौजूदा परिस्थिति में हर साल ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा टैक्स का बोझ कम करें तो पीपल कैन स्पेंड मोर मनी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो उससे गैल्वेनाइजिंग इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, तो आपको लगता है कि इस पर सोचना चाहिए? देखिए ये तो मैं साफ कहूंगा कि हमारे जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास में क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स का जो सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो सैलरी क्लास से आता है, और सैलरी क्लास को राहत मिले तो अच्छी बात है। वो हो सकता है तो सोच ये भी रहती है कि अरे तो उससे जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी हो, लेकिन मेरा ये अभिप्राय रहेगा कि बाकी जो सैलरी क्लास के बाहर जो हैं, प्रोपराइटर्स हैं, जो उनमें और ध्यान देना चाहिए। सैलरी क्लास को जो गाय है जो अच्छी दूध देती है
उसी को और उसमें से दूध ना निकाला जाए, तो सैलरी क्लास को राहत मिले, अच्छी बात है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।